नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी और मैं हूं प्रोफेसर भावना। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 90 की और ये है रेटरिक। रेटरिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ पर्सुएशन, यानी समझाने बुझाने की कला। तो जब आप लिख कर या बोल कर सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे मनाते हैं, उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही रेटरिक कहा जाता है। और रेटरिक एक बहुत ही प्राचीन कला और विज्ञान दोनों ही है। कला इस दृष्टि से कि आप जो बात कह रहे हैं, जो बात लिख रहे हैं, वो किस ढंग से कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं, आपका लहजा क्या है, ये आपका हुनर है, तो ये आपकी कला हुई। और साइंस या विज्ञान इस दृष्टि से कि आप जो कह रहे हैं, वो किस माध्यम से आप कह रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है आप उसे कितना समझते हैं, आपको क्या कब कैसे कहना है, क्या नहीं कहना है, किस तरीके के उदाहरण आपको रखने हैं, ये सारा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, जब आप उसे प्लान करते हैं, तो यहाँ पर रेटरिक एक तरीके से साइंस हो जाता है। तो जो वक्ता या लेखक होते हैं उन्हें रेटर कहा जाता है। तो रेटरिक की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सामने वाला व्यक्ति जो लिख रहा है या जो वक्ता है, उस पर जनता या जो लोग उसे सुन रहे हैं वो कितना विश्वास करते हैं, उनकी छवि कैसी है, इस बात पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग उन्हें सुन रहे हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और जो राजनैतिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है, वो कितना समझते हैं चीजों को। तीसरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि रेटर किस मीडियम का चयन कर रहा है, किस माध्यम से अपनी बात को वो कह रहा है, किस तरीके के उदाहरण वो पेश कर रहा है, किस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट कर रहा है, और जो बात वो कह रहा है वो लोगों के लिए कितनी उपयोगी या कितनी जरूरी है, लोग उसे क्यों सुने, लोग उसे क्यों पढ़ें। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर जो रेटरिक की जो सफलता है वो निर्भर करती है। तो आप भी एक बहुत अच्छे रेटर बन सकते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको इन सारी चीजों को जानना होगा। और उसके साथ साथ एक छोटा सा आग्रह आपसे ये भी है कि अगर आप एक रेटर बनना चाहते हैं, आप चाहे ओरेटर बने, आप एक अच्छे राइटर बने, तो प्लीज आप जो भी लिखें, जो भी कहें, उसका नैतिकता की कसौटी पर भी खरा उतरना बेहद जरूरी है। ये बात मैं नहीं कहती, बल्कि बहुत बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, प्लेटो ने इस बात को कहा है और लोगों से आग्रह किया है कि तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे और आप एक बहुत अच्छे रेटर बन पाएंगे। तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मीडिया लिटरेसी के इस मूवमेंट में मेरा साथ दें और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।